शांति। आप जब भी योग करें तीन चीजों को हमेशा स्मृति में रखें, स्वमान, दूसरा आत्मिक दृष्टि और तीसरा कृतज्ञता। इन तीनों को हमने कमेंट्री में इन्वॉल्व करना है। सबसे पहले स्वमान, अपने आप को स्वमान देकर ही बैठेंगे तो एक स्थान पर चले जाएं और एकांत में बैठ जाएं। शुरुआत में कुछ देर आंखें बंद रखते हुए अपनी बॉडी को अनुभव करें, अंदर से उसे रिलैक्स करें। श्वासें नॉर्मल कर लें, बॉडी के किसी पार्ट में कोई तनाव नहीं रहे, उसे हल्का छोड़ दें। श्वासें गहरी रखें, श्वासोश्वास अपने आप को याद दिलाएं, आई एम अ डिवाइन बीइंग, मैं एक दिव्य आत्मा हूं। अब धीरे से थोड़ी आंखें खोल कर बैठें। प्रकृति के बीच तीसरे नेत्र को ओपन करें। तीसरा नेत्र खुला हुआ है, ये दो नेत्र भी खुले हैं, किंतु मैं आत्मा तीसरे नेत्र से देख रही हूं। ये तीसरा नेत्र जो कुछ भी देख रहा है, मुझे वो सब लाइट का ही नजर आ रहा है। सब कुछ लाइट का है। मेरी रूहानी दृष्टि जहां भी जाए सब लाइट का ही दिखाई दे। योग के दौरान आपका मन और बुद्धि जहां भी जाए उसे लाइट का ही देखें। मानिए हमारी बुद्धि घर के किसी सदस्य के पास बार बार जाती है, ऑफिस में जाती है, सेवा केंद्र पर जाती है, कहीं भी जा रही हो उसे लाइट का देखिए। जिस स्थान पर वो व्यक्ति है वो स्थान भी लाइट का, हर एक चीज छोटी से छोटी सब प्रकाश की बनी हुई। अपने आप को देखें, मैं आत्मा लाइट,
डिवाइन लाइट, अ प्योर लाइट, अ नॉलेजफुल लाइट, अ हैप्पी लाइट। मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में हूं। मेरा शरीर संपूर्ण लाइट का है। अगले कुछ देर के लिए अपने आप को प्रकाश की देह में ऊपर से नीचे तक देखें। अब मैं फरिश्ता चारों ओर दृष्टि घुमाता हूं। चारों ओर हर एक आत्मा लाइट की देह में है। पूरा संसार ही लाइट का है। चारों ओर दृष्टि घुमाते हुए जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सड़कें, मार्केट, कुछ भी दिख रहा है, सब लाइट के हैं। ये व्हीकल सब लाइट के। चारों ओर बस लाइट ही लाइट है। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। इस प्रकाश के संसार में मैं फरिश्ता प्रकाश के कमल के ऊपर बैठा हूं। देखें कमल आसन जो लाइट का ही बना हुआ है और उससे बहुत तेज प्रकाश फैल रहा है। मैं फरिश्ता कमल आसन पर विराजमान हूं। मेरे सर के ऊपर पवित्रता की रिमझिम हो रही है। ये पवित्रता की शीतल बूंदें मुझ फरिश्ते को नहला रही हैं। ये प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मैं फरिश्ता विश्व कल्याणकारी हूं।
मुझे भगवान ने महान कार्यों हेतु चुना है। वो मुझे विश्व सेवा हेतु चुनकर मेरे मस्तक पर विजयी तिलक देकर मुझे सफल भव का वरदान देते हैं। मेरे प्यारे बाबा, मीठे बाबा, जिन्होंने मुझे एक साधारण मनुष्य से फरिश्ता बना दिया है, जिन्होंने अपनी सारी शक्तियां मुझे देकर आप समान बना दिया है, मैं फरिश्ता स्वयं को भगवान के समान ही अनुभव कर रहा हूं। मैं कमल आसन धारी फरिश्ता, मेरे सर के ऊपर ज्ञान सूर्य शिव बाबा चमक रहे हैं। उनकी असंख्य किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। बाबा की असंख्य किरणें मुझ पे पड़ रही हैं। अनुभव करें। देखें, अब मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, निराकार स्थिति में स्थित हो जाती हूं और बिंदु बनकर परम धाम में शिव बाबा के साथ बैठ जाती हूं। ज्ञान सूर्य की लाइट के नीचे बैठी हुई आत्मा, जिसका तेज हजारों सूर्यों से भी तेज है,
उनकी शक्तियों को भरते हुए मुझ आत्मा का तेज बाबा के समान ही बन गया है। उनकी असंख्य किरणों के माध्यम से उनकी सर्व शक्तियां मुझ में समा रही हैं। बाबा की सर्व शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं, उन्हें भरता हुआ देखिए। मैं आत्मा बाबा की शक्तियों से भरपूर हो गई हूं। बाबा के समान तेजोमय मैं आत्मा वापस नीचे आ रही हूं। नीचे आए पंच तत्वों की देह में मस्तक के बीच शरीर अलग मैं आत्मा एकदम अलग। मैं मस्तक के बीच बैठकर परमात्मा पिता का शुक्रिया कर रही हूं। हे प्यारे पिता, आपने मुझे सब कुछ दिया, आपने मुझे शक्तिशाली मन दिया, स्वस्थ तन दिया, पर्याप्त धन दिया। आपका हृदय की गहराई से शुक्रिया। आपने मुझे दिव्य ज्ञान दिया, मुझे करोड़ों की भीड़ से उठाकर अपना सिखी लद्दा बच्चा बना लिया, मुझे विश्व कल्याण हेतु चुनकर मेरा सम्मान बढ़ा दिया, मुझे सर्व शक्तियां देकर आप समान बना दिया, मेरे मस्तक पर विजय श्री का तिलक देकर मुझे सफलता मूर्त बना दिया। आपका कोटि कोटि शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।